नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन जिलों में नामांकन करने का गुरुवार को आखिरी दिन था। एनडीए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता थे अपना अपना नामांकन करते कल नजर आए। तो इन सब के बीच भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर भोजपुरी मगही सिंगर गुंजन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है और उनको यूट्यूबर मनीष कश्यप का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। बता दें, नामांकन कराने पहुंचने के दौरान गुंजन सिंह के साथ चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भी थे। विगत कुछ सालों से गुंजन कुमार नवादा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, साथ ही उन्होंने काफी पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि मूलतः नवादा जिले के रहने वाले गुंजन सिंह भूमियार जाति के हैं। वह खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे भोजपुरी दिग्गजों के संगीत से प्रेरित थे। हाल ही में उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, भाजपा से संपर्क भी किया, लेकिन टिकट की आस टूटने के बाद उन्होंने पहली बार निर्दलीय तार ठोक दिया है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के सवाल पर भोजपुरी गायक ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अब नवादा की जनता से मैंने वादा किया था, इसलिए उनके भरोसे चुनावी मैदान में उतर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नवादा में न तो केंद्रीय विद्यालय है न ही मेडिकल कॉलेज, यहाँ बेहतर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मेरा साथ देगी। इस दौरान मनीष कश्यप ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 20 साल के चुनाव को देख लीजिए, कितने गरीब के बेटे सांसद बने, बिहार का हाल सभी को पता है। उन्होंने कहा कि गरीब का बेटा क्या लोकसभा में जाकर गरीबी पर बात नहीं कर सकता है? बड़े बड़े नेता का बेटे व्यापारी, माफिया, क्या सिर्फ यही नेता बन सकते हैं? गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकते। मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह को समर्थन करने की अपील की। मीडिया के द्वारा चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी अच्छे प्रत्याशी बुलाएंगे वहां प्रचार करने जाएंगे। तो भोजपुरी मगही गायक गुंजन सिंह नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। कल उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया और यूट्यूबर मनीष कश्यप का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। मनीष कश्यप भी बड़े सवाल अक्सर खड़े करते नजर आए और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक बार फिर उन्होंने सवाल किया कि क्यों कोई गरीब का बेटा सांसद नहीं बन सकता, क्यों बड़े नेताओं के बेटे ही सांसद बन सकते हैं? एक गरीब का बेटा भी संसद में जाकर गरीबों के लिए काम कर सकता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया में कल नामांकन का अंतिम दिन था। तमाम नेताओं ने अपना अपना नामांकन किया और भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर गायक गुंजन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और यूट्यूबर मनीष कश्यप का समर्थन उन्हें प्राप्त है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।